बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का मुतालिया पाकिस्तान का पहला लेक्चर आपको दिया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान का मुतालिया है। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की आपको हिस्ट्री बताई जाएगी, तारीख बताई जाएगी, पाकिस्तान की जद्दोजहद बताई जाएगी, पाकिस्तान जब पैदा हुआ तो उसके बाद उसको जो प्रॉब्लम्स या जो मुश्किलात दरपेश हुई उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बल्कि इसके साथ साथ हम ना सिर्फ पाकिस्तान के जुग्राफी हालात, पाकिस्तान के मादनियात, पाकिस्तान के ज़खायर और पाकिस्तान के हमसाय ममालिक और उनके साथ ताल्लुकात और ख़ास तौर पर वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनसे मिलकर एक पाकिस्तान बने। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया क्या है? नज़रिया वो सोच, वो ख़्याल है जो किसी एक शख्स से होता हुआ किसी मखसूस ग्रोह के लोगों को असरअंदाज करे और उसके साथ साथ वो ना सिर्फ इससे मुतासिर हों बल्कि उसको हासिल करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए जिद्दोजहद भी करे। और यही वो नज़रिया था जो बड़े सग़ीर के मुसलमानों को अपील किया कि हम लोग हिंदुओं से अलग हैं, ना सिर्फ हम लोगों का मज़हब अलग है बल्कि इसके साथ साथ हम लोगों के माशरती और मौशी हालात अलग हैं, हमारे दीन की बुनियाद ही तौहीद पर है। और यही वो सबसे आप कह सकते हैं कि मेन कंट्रडिक्शन था या बोन ऑफ कंटेंशन था या एक लड़ाई की वजह थी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कि हम एक खुदा की इबादत करने वाले जबकि उनके 3000 से ज़्यादा खुदा हैं। यही वो वजह बनती है जिनकी वजह से हमारे उस वक्त वो सूफिया इकराम और वो वलीउल्लाह जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, उन्होंने उसके साथ ये भी काम किया कि मुसलमानों को बताएं कि आप हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहें ज़रूर, लेकिन इस चीज़ को जहन में रखें कि आप लोग मुसलमान हिंदुओं से हर लिहाज से अलहदा हैं। आपने रवादारी का सबूत ज़रूर देना है लेकिन अपने मज़हब को नहीं छोड़ना। और यही वो सूफिया कराम थे जैसे कि हज़रत मुजद्दद अली सानी, शाह वलीउल्लाह और उसके साथ बहुत सारे जिन्होंने हमारे अंदर इस नज़रिए को रासिख कर दिया और मुसलमान इस पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। और यही वो नज़रिया था, यही वो सोच थी कि हम हर लिहाज से हिंदुओं से लैदा हैं, हमारे मौशरती मज़हबी हर चीज़ जो हालात हैं वो मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं। लिहाजा यही वो नज़रिया था, यही वो सोच थी, यही वो ख़्याल था जिसको लफ्ज़ों की शक्ल दी सर सैयद अहमद ख़ान ने। और किस तरह से दी कि उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों के लिए लफ्ज़ कौम इस्तेमाल किया, ठीक है, और उन्होंने वाज़ह अल्फाज में कहा कि हिंदू और मुसलमान हर लिहाज से अलग है। और इसी सोच को आगे लेकर चलते हैं सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को किसी भी पैमाने पर परखने वो एक कौम है और उनकी जो बुनियाद है वो इस्लाम है। लिहाजा बड़े सगीर को अगर आप देखें तो बड़े सगीर एक कौम का मुल्क नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारी कौमें बसती हैं, लिहाजा यहाँ पे मुसलमानों को उनके हकूक देने चाहिए। इसके बाद इसी चीज़ को या इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही कहा कि बड़े सगीर में पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जिस दिन एक हिंदू मुसलमान हुआ था और पाकिस्तान बनने की मेन वजह इस्लाम है। ये वो सोच है, ये वो ख्याल है जो कि एक नज़रिया एक शख्स से होता हुआ पूरी कड़ी को कड़ी से मिलाते हुए पूरी एक जंजीर और मजबूत जंजीर जो कि तौहीद से जुड़ी हुई थी उसे लेके चलती है। और नाज़रीन यही वो नज़रिया था, यही वो सोच थी जो कि आगे चल के नज़रिए पाकिस्तान बनी, यानी कि पाकिस्तान के बनने का ख्याल बनी। हम लोगों ने इस चीज़ को कि हिंदू और मुसलमान अलहदा हैं, हमारा एक दूसरे का जो भी फ़र्क है वो इस्लाम की बेस पर है, अख़ुवत भाईचारा सब कुछ बेहतर है, लेकिन जो तौहीद है वो एक ऐसी खलीज है जो हिंदू और मुसलमान के दरमियान पैदा हुई है जो कभी नहीं मिट सकती। और यही वो खलीज थी और यही वो ख्याल, यही वो एहसास था जिनसे मुसलमानों ने उसको मजबूती से उसको थामा और पाकिस्तान की तरफ गामजन हुए। और यही नज़रिया फिर बाद में जिसको हम लोग कहते हैं कि हमने अपनी असास जो थी इस्लाम पे रखी और हम लोग पाकिस्तान क्यों हासिल करना चाहते थे इस्लाम के नाम पे, कि हम लोग पाकिस्तान में रहकर इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, लिहाजा इसी सोच को हमने नज़रिए पाकिस्तान का नाम दिया। तो जब नज़रिए पाकिस्तान का हमने उसको नाम दे दिया
तो मुख्तलिफ सवालात उठना शुरू हो गए कि भाई नज़रिए पाकिस्तान इसको क्यों कहा जाता है या क्या वजह है कि हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि हम अलहदा वतन का मुतालबा करें। तो उसके लिए हमेशा से हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे सूफ़िया इकराम ने हमें एक क्लियर किस्म का एक विज़न दे दिया था और ये बता दिया था कि नज़रिए पाकिस्तान क्या है और उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने आप को हिंदुओं से अलहदा कहते हैं और इस चीज़ पर मुसलसल इसरार कर रहे हैं कि हमें अपना अलहदा वतन दिया जाए। तो वो थे अज़ाए तरकीबी नज़रिए पाकिस्तान में, जिससे पहले जिनमें सबसे पहले अकायद आते हैं। अकायद में सबसे पहले तौहीद आते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और वही इबादत के लायक है और कोई भी किसी भी चीज़ को हम लोग उसके साथ शामिल नहीं कर सकते उसकी इबादत में, और राम और रहमान कभी एक नहीं हो सकते। इसी तरह से हमारा ये ईमान है कि हम लोग फरिश्तों को खुदा की मखलूक समझते हैं, हम लोग तमाम पैगंबरों पर ईमान लाते हैं, हम क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं, रोज़े जजा सज़ा के दिन पर ईमान लाते हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। इस बात पर हमारा ईमान है। अब इसके साथ जमहूरी इक़दार का फ़रोग़ आ जाता है कि इस्लाम में इस चीज़ को राइज किया गया है कि हर शख्स अपनी राय का मुस्बत तरीके से इजहार कर सकता है, उसको आज़ादी तहरीर व तकरीर है, बशर्त ये कि उसकी वो आज़ादी किसी भी शख्स के मजहबी ख्यालात को नुकसान नहीं पहुंचा रही या उसको तकलीफ़ नहीं दे रही। और यही वो जमहूरी इक़दार हैं जिनका हमारे इस्लाम में प्रचार किया गया है और यही वो चीज़ें हैं जो हमें बड़े सगीर में हिंदुओं के साथ और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में शामिल नहीं हो रही थी। माशरती इंसाफ और बराबरी एक ऐसी चीज़ थी जो मुसलमानों ने अपने 1000 साल के दौरे हुकूमत में देखी थी और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल भी किया था। यहाँ पे माशरती इंसाफ का कोई भी तसव्वुर नहीं था। अगर अंग्रेज़ ने किसी हिंदू की या किसी हिंदुस्तानी की जान ली है तो उससे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, जबकि मुसलमानों के साथ और हिंदुस्तानियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, हिंदू और मुसलमान बराबर नहीं थे, बराबरी का कोई तसव्वुर नहीं था। और यही चीज़ थी जो मुसलमानों के अंदर खलिश पैदा कर रही थी कि हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, हम बरसगीर में रहते हुए अपने मज़हब पर सही तरह से अमल पैरा नहीं हो सकते थे। हम लोगों ने जिस तरह से एक इस्लाम के दौर में देखा था कि हर शहरी को उसके हकूक मिल रहे हैं, हर शहरी अपनी ज़िंदगी के मामलात में, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो कोई भी है, वो अपने मज़हब के और अपने मामलात में आज़ाद है, हम वही आज़ादी चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि हम मिलजुल कर यहाँ पर रहें, जो कि हमें हिंदुस्तान में नहीं मिल रही थी। अगर हम लोग उनके साथ रहते तो यकीनन ना सिर्फ हम लोग अपनी इस्लामी इकदार को भूल जाते बल्कि उसके साथ साथ हम लोग ना हिंदू रहते, ना मुसलमान रहते और ना ही हम कभी हिंदू बन पाते। हम लोग इस्लाम की रूह को भूल जाते और यही वजह थी कि हमारे सूफिया कराम और बहुत सारे वलीअल्लाह ने इन चीज़ों को पहचान लिया, इन चीज़ों को वक्त से पहले स्मेल कर लिया और उन्होंने मुसलमानों